राम राम किशन भाई, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। आज हम लोग आए पालक साग की बुआई करने के लिए। और थंबनेल से आप सभी को पता चल गया होगा कि पालक कौन सा है और क्या काम करेगा। पहले भी पालक का बुआई कर चुके हैं और सेम पालक है, और आप सभी को पालक नहीं बता पाए थे। अच्छा, वो सुलेंदर का था और यहाँ पे जो कि जन्मेशन हो गया है। तो यहाँ पे ये रहा जो कि पालक साग था। यहाँ पे जन्मेशन ये सारा पालक हो गया है, ठीक है। तो अभी हम लोग फिर से पालक का बुआई करने जा रहे हैं और यहाँ पे पीछे से पालक का बुआई इसका कर रहे हैं। तो आप सभी को पूरा एंड तक वीडियो देखिए, आप सभी को पता चलेगा पालक कैसे बुआई करना है, कितना कितना पालक गिराना है, और तब जाकर पालक सही जन्मेशन होगा और सही तरीके से खेती कर पाओगे। तो अभी हम लोग चलते हैं, फटाफट बुनते हैं पहले। तो यहाँ पे अभी पापा गिरा रहे दाना, और कुछ इस तरह करके अभी छींटते जाना है पूरा केरी में। एक पैकेट में एक केरी, और केरी का साइज पिछले बार से बड़ा है। और अभी दिखाते हैं कि दाना कैसा जमीन में है। यहाँ पे देखिए भूरा भूरा दाना आप सभी को दिख रहा होगा, और इस तरह कुछ करके दाना गिराते हुए जाना है। और अभी पापा जल्दी जल्दी गिराएंगे, उसके बाद इसमें केरी तैयार करेंगे अच्छे से। अभी हम लोग एक पारी बुन लिए, और एक पारी बुनने के बाद पापा भी दूसरे पारी में बुआई कर रहे हैं, और जल्दी जल्दी बुआई करके, क्योंकि शाम अब होने चला। और काम करके अभी सिंचाई नहीं करेंगे, कल तरफ सिंचाई करेंगे इसका, और कल इसका सिंचाई का वीडियो बनेगा। और तभी सिर्फ बुआई एंड केरी तैयार कर रहे हैं। तो अभी फटाफट बुआई करते हैं इसमें भी। तो यहाँ पे बुआई हो गया, और बुआई होने के बाद अब हम लोग केरी काट रहे हैं। तो पहले केरी कुछ इस तरह काटते हैं, जो कि एक पानी जाने के लिए, एक पानी उतरने के लिए वो फर्स्ट वाला रहता है, और इसमें जो कि केरी तैयार होता है कुछ उस तरह, ठीक है। जैसे कि देखिए अभी यहाँ पे काट रहे हैं, इस तरह कुछ काटना पड़ता है, और इधर आगे तक अभी कटेगा और उस वाले में पानी आएगा। तो अभी फटाफट ये तैयारी करते हैं, उसके बाद सेकेंड केरी में उतरेंगे। ऊपर पूरा मिट्टी को दाना से ढकना है, और सिंचाई होने के समय पूरा ऊपर तक पानी चढ़ेगा, ऊपर के भी पालक जन्मेशन हो जाएगा। ये 28 तारीख को बुनाई हो रहा है, 2023 28 तारीख लास्ट महीना। उसके बाद जन्मेशन पता चल जाएगा कितना दिन के बाद हो रहा है, उसका एक शॉर्ट से वीडियो टाइम मिलेगा तो बनाकर डालेंगे। यहाँ पे अभी हम लोग एक केरी तैयार कर लिए, बुआई के साथ साथ केरी भी बन गया कंप्लीट यहाँ पे। और केरी बनने के बाद कुछ इस तरह भी इसका नज़ारा है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और अभी इसमें काम करेंगे और इस वाले का केरी तैयार करेंगे, और फटाफट करके आप सभी को दिखाते हैं। ना तो किशन भाई, यहाँ पे कंप्लीट मेरा काम हो गया, और पीछे पूरा मतलब पूरा बुआई करके पूरा केरी तैयार करके अब इसको एक दिन के लिए धूप लगने दे देंगे, यानी कि कल दिन भर धूप लगेगा, अब परसों इसका सिंचाई होगा। तो यहाँ पे भी केरी तैयार होने के बाद कुछ इस तरह नज़ारा, पहले किस तरह नज़ारा था वो आप सभी को वीडियो में पता चला होगा शुरुआत में। तो इस तरह कुछ खेती संबंधित वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब खेती संबंधित वीडियो देखने के लिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।